वीर सावरकर पर सियासत लगातार गरमा रही है और वीर सावरकर के पोते रणजीत का बयान इस दौरान सामने आया है और ओबीसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि उन्हें वीर सावरकर से सीखना चाहिए। सावरकर से सीखे कि धर्म को अपने घर तक सीमित कैसे रखा जाता है। तो रणजीत सावरकर बोले हैं कि वीर सावरकर से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष शख्स नहीं ढूंढ पाएंगे, आप हिंदू या मुस्लिम नहीं सिर्फ भारतीय हैं। तो वीर सावरकर को लेकर जिस तरह से बयान यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था, उसी को लेकर वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर का सामने आया है बयान और उन्होंने कहा है कि सावरकर से आपको सीखना चाहिए कि धर्म को अपने घर तक कैसे सीमित रखा जा सकता है। Because he himself is such a communal man that he has totally forgotten who his purkhas were. He is from the village Ausa in Marathwada. His cousins who were not converted to Islam are still called Ausekar. And in those days, Nizam has recruited Rohile Pathans in his army who committed atrocities, rapes and a lot of things in Marathwada, and because of their fear, lot of people have been converted. One of them was his great-grandfather. So he should never forget that the outsider Muslims, how they have... See, Rohile Pathans are not Indians, so they didn't bother about you, how they tortured you, how they committed atrocities, he should not forget it. I advise him that you should follow the Savarkar's philosophy that you should keep religion in your house and when you are outside, you don't come out as a Muslim or Hindu, you come out as a Indian. देखो, सावरकर एक पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो बाइज्जत उन्हें बरी किया गया था, सरकार उनके अपील में नहीं गई। कपूर कमीशन के बारे में बार बार झूठ बोला जाता है कि उन्होंने सावरकर को गिल्टी फाइंड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया है कि कपूर कमीशन ने कहीं पे भी सावरकर को दोषी ठहराया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का पिछला जजमेंट है। तो बार बार गांधी मर्डर में उनका नाम खींचने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि इंदिरा गांधी वॉज ए प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। कपूर कमीशन इंदिरा गांधी ने ही ये किया था, फॉर्मेट किया था। तो उसके बाद की बात है, जब पोस्टल स्टैम्प का निकाला ना, उसके पहले की नहीं, बात की बात है। तो अगर कपूर कमीशन उनको इंडिक करा दे, उनके ऊपर संदेह है, तो इंदिरा गांधी करेगी एक प्राइम मिनिस्टर? ये तो सोचने की बात है। तो राहुल गांधी ने सोचना चाहिए कि इंदिरा गांधी बेवकूफ थी, मतलब ये तो उन्होंने सोचना चाहिए कि अगर वो होशियार ज्यादा है, इंदिरा गांधी होशियार ज्यादा है।